Major Kalchi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello bachcho, main hu Kumar Akhilesh Singh. Swagat karta hu aapka Major Kalchi classes ke online platform pe. Aaj hum log padhenge ek aisa topic jisme aap sabhi ko ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स रहते हैं. उन सभी कन्फ्यूजन्स, उन सभी डाउट्स का क्लियरेंस देंगे हम. उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे. यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशंस को हम लोग पढ़ेंगे और उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं उन सभी को रिमूव करेंगे. सारा का सारा बेसिक हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं. तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा आप लोग, और जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे आप पाएंगे कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप कर ली है. तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रक्षेप गति भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है आखिर? तो जो डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की वो ये है कि इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट परफॉर्म्स अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो सबसे पहले प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड परफॉर्म्स टू डायमेंशनल मोशन और जो मेन बात है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द पार्टिकल which is thrown is known as projectile. तो जो पार्टिकल को थ्रू किया गया है, फेंका गया है, उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे. और अगर कोई प्रोजेक्टाइल किसी एंगल थीटा पर हॉरिजॉन्टल के साथ टू डायमेंशनल मोशन करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट विल बी नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट केस है या सबसे बेसिक केस है उसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं आप. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक केस है वो ये है, लेट कि ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये आपका क्या है, वाई डायरेक्शन है. यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर लेट यू स्पीड से फेंका जाता है. तो ये कुछ इस तरह का पाथ लेगा. तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर यू से फेंका जा रहा है तो इस एक्स डायरेक्शन में इसका यू का वेलोसिटी कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो.
जो कि हम लोग यू एक्स लिखेंगे, और यहां पर वाई डायरेक्शन में यू वाई इक्वल टू लिखेंगे यू साइन थीटा। ओके, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि पार्टिकल जो है एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में साइमल्टेनियसली एक साथ गति करता है, यानी एक्स में भी जाता है और वाई में भी जाता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जो बेसिक्स होते हैं जिसको समझना चाहिए हमको, वो ये है कि हम पूरे के पूरे मोशन को एक्स में अलग और वाई में अलग देखें, और बाद में एक्स और वाई दोनों को कंबाइन कर दें, चाहे वो वेलोसिटी निकालनी हो, चाहे किसी टी टाइम पर उस प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, उसकी पोजीशन निकालनी हो। तो हम पूरे के पूरे मोशन को एक्स में अलग और वाई में अलग, यानी एक्स और वाई में इंडिपेंडेंट मोशन हम लोग देखें और उनको बाद में कंबाइन कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर, क्योंकि एक्स में अलग कर रहा है मोशन और वाई में अलग कर लेता है, तो चलिए हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां पर ये आपका एक्स डायरेक्शन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, जो मोशन की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है, थ्री इक्वेशंस, फर्स्ट वन वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एंड सेकेंड वन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड वन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशन ना होकर के अपने पास छह इक्वेशन बन जाएंगी, यानी कि तीन एक्स में और तीन वाई में। तो पार्टिकल की किसी भी स्थिति को, किसी भी वेलोसिटी को निकालने के लिए हमें एक्स में भी जरूरत पड़ेगी इन इक्वेशंस की, और इन इक्वेशंस की वाई में भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं वो तीनों इक्वेशंस, तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो पहली इक्वेशन वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। और यहां पर जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और यहां पर बेटा हो जाएगी एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन अपनी बनेगी वो बनेगी वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एस एक्स, और यहां पर जो आपकी बनेगी वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए टी टाइम के बाद एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। आपसे पूछा जाए कि टी टाइम के बाद इसका एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स डिस्प्लेसमेंट, जब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, एक्सीलेशन दिया हुआ हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, तो एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लेंगे। और इसी तरीके से हम लोग वाई की भी चीजें पता कर लेंगे, और बाद में एक्स और वाई को क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे, यानी एक्स और वाई को एक साथ लिखेंगे और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या यहां पर हम लोग को करना है। तो यहां पर हम लोग को करना यह है कि जैसे एक बार हम फिर से फिगर को बना देते हैं, यहां पर देखो, यहां पर फिगर को फिर से बना देते हैं। u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने फायर किया, प्रोजेक्टाइल को फायर किया अपने को यहां पर t टाइम पर, लेट कि यहां पर टाइम कितना रहा हो, जीरो, जब इसको फायर किया गया। माना कि यहां t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, कितनी वेलोसिटी है, v, और ये x डायरेक्शन, या ये कह लो यहां पर क्या है, y डायरेक्शन, यानी ये x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो हम लोगों का जो एम है वो ये है कि t टाइम पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, आफ्टर t टाइम व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सिंपली हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को यहां पर
इसका जो V निकालना है तो हम लोग को यहां पर Vx निकाल लेना होगा, हम लोग को यहां पर Vy निकाल लेना होगा, और फाइनली जो V वेक्टर होगा वो Vx i कैप प्लस Vy j कैप, और इसको निकाल लेंगे तो यहां पर आपका जो V मैग्नीट्यूड होगा यानी कि कितनी स्पीड होगी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे कह दिया जाए अल्फा क्या होगा तो यहां पर ही आपका टेन अल्फा बेटा कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखें तो ये देखो ये टेन अल्फा है, तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या है ये अगर Vy है तो ये भी आपका Vy यानी Vy बाय Vx यानी कि आपका जो एंगल आएगा अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स Vy बाय Vx, ये आपका एंगल आ जाएगा यानी कि कितने एंगल पर ये वेलोसिटी हॉरिजेंटल से होगी। अब हम लोग को क्या करना है यही Vx और Vy फाइंड आउट करना है सिंपली, यानी कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता जा रहा है टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो चेंज होती जा रही होगी तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट टी टाइम के बाद क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो चलिए हम लोग फिर से वही थ्योरी यूज करते हैं, दोनों मोशन को इंडिपेंडेंटली देखते हैं। तो दोनों मोशन को इंडिपेंडेंटली देखते हैं तो देखे बेटा जैसे हम लोग कहें यहां पर ये आपका क्या है एक्स डायरेक्शन और यहां पर क्या है वाई डायरेक्शन। तो देखें अगर हम लोग यहां पर देखें कि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन अपॉन मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा तो ए वाई बेटा कितना होगा वाई डायरेक्शन में फोर्स अपॉन मास, y डायरेक्शन में फोर्स अपॉन मास यानी कि y दिशा में कितना बल लग रहा है अपॉन उसका प्रोजेक्टाइल का द्रव्यमान, इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर देखिए आप जानते हैं जब भी कभी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, मींस x डायरेक्शन में कभी कोई फोर्स नहीं लगता है। यहां पर एक बात खास बात है जो याद करनी है कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा के प्रतिरोध को नेग्लेजिबल मानते हैं, यानी जो भी फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, जितना भी फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा यानी कि फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और वो ग्रेविटी का फोर्स होगा दैट विल बी एमजी। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो यहां पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से आपसे कह दिया जाए कि वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा तो आप देखो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा माइनस एम जी अपॉन यहां पर एम से डिवाइड करेंगे तो बेटा एक्सीलरेशन आपका जो आएगा ए वाई इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी क्यों आ रहा है क्योंकि जो आपका एक्सीलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्स डायरेक्शन में याद रखिएगा कोई फोर्स नहीं है सो एक्सीलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स विल बी जीरो। ठीक है चलिए हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं यानी चीजों को क्लियर करते जाते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सीलरेशन निकाला, अब हम लोग को जो हमारा एम था याद रखिएगा हमारा एम हमेशा याद रखना चाहिए, जो कुछ भी हम लोग को निकालना है वो जरूर याद रखना चाहिए, वो ये है कि हम लोग को वेलोसिटी निकालनी थी टी टाइम के बाद, सो वी हैव टू कैलकुलेट Vx एंड Vy। सो सबसे पहले हम लोग Vx की चर्चा कर लेते हैं तो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा Vx इक्वल टू Ux प्लस AXT, Vx इक्वल टू Ux प्लस AXT। सो यहां पर देखिए अगर आप देखें तो यहां पर Vx इक्वल टू Ux, Ux कितना था U cos थीटा, अगर आपने देखे सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और Ax क्या है जीरो, तो यहां पर जीरो यानी कि Vx कितना आ गया U cos थीटा। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम लोग यहां पर लिख भी लेंगे, आप देखें Vx भी U cos थीटा है और Ux भी U cos थीटा था, होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए
क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है. इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वेलासिटी इन एक्स डायरेक्शन. अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है तो वहां पर वेलासिटी में कोई चेंज नहीं होगा. यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलासिटी शुरुआत में थी मोशन की वही हमेशा रहेगी. दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलासिटी विल नेवर चेंज एंड दैट विल रिमेन u cos थीटा फॉर एवर. ठीक है, तो ये कितना रहेगा u cos थीटा. अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि y कंपोनेंट की बात कर लेते हैं. तो बेटा vy इक्वल टू कितना हो जाता है, ये होता है uy प्लस ayt. यानी कि vy इक्वल टू uy, यानी कि u साइन थीटा और ए वाई की वैल्यू अभी आपने लिखी थी माइनस जी. तो यहां क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू टी. सो यहां पर कितना आ जाता है वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी. तो यहां पर जो सबसे खास बात है जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, तो ये वैल्यू भी क्या होगी बढ़ेगी. तो कुल मिला के ये वैल्यू क्या होगी घटेगी, यानी कि वी वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी. यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हमेशा सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलासिटी का है वो लगातार डिक्रीज होता है. और डिक्रीज कब होगा तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जब टॉप पर पहुंचेगा तो वर्टिकल वेलासिटी जो होती है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है. यानी कि ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जब टॉप पर पहुंचेगा, प्रोजेक्टाइल टॉप पर पहुंचेगा तो उसकी वेलासिटी क्या होगी, उसकी वेलासिटी क्या होगी. तो आप जानते हैं कि वर्टिकल वेलासिटी लगातार घट रही है, तो जब टॉप पर पहुंचता है तो वर्टिकल वेलासिटी धीरे धीरे जीरो हो जाती है और केवल क्या बचती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलासिटी का बचता है. तो यहां से आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा वेलासिटी कहां होती है, तो सबसे ज्यादा वेलासिटी कहां होती है जहां से वो चलना शुरू करता है और जहां पर वो आकर के गिरेगा लैंड करेगा. सबसे कम वेलासिटी कहां होती है टॉप पर, क्योंकि वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है. यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ये चीज आ गई. अगर अब आप कंबाइंड करना चाहें, अगर आप क्या करना चाहें कंबाइंड करना चाहें तो कंबाइंड करेंगे तो v इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. वेरी सिंपल, यानी कि ये कितना है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप. और यहां से अगर आप देखें तो v का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो आ जाएगा अंडर रूट और यहां पे u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर. और चाहे तो इसको हम लोग और रिसॉल्व कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉड वी, यानी कि वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट और यहाँ पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी. तो यहां से देखें यू स्क्वायर हो जाएगा ये, तो वी इक्वल टू कितना हो जाता है यहां पर यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा. तो ये वैल्यू आती है यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी. सो यही आपका क्या हो जाता है फाइनल वेलासिटी हो जाती है एट टाइम टी. और यहां पर एक चीज और हम लोग को फाइंड आउट करनी थी, और वो क्या फाइंड आउट करनी थी कि एंगल कितना होगा, कितना एंगल होगा. तो यहां पर टेन अल्फा जो था आपका टेन अल्फा वो कितना था वी वाई बाय यानी कि वी वाई बाय वी एक्स. यानी कि वी वाई कितना है वो था यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन ये कितना था u cos थीटा. तो अगर आपको ये वैल्यूज में दे रखा है, u की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, t दे रखा है, तो आप यहां पर वैल्यूज रख दें तो आपको tan अल्फा बड़े आराम से मिल जाएगा. सो यहां से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा
टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। सो यहां पर आपने वेलासिटी भी निकाल ली और यहां पर एंगल भी निकाल ली। तो जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया था कि हम लोग को वेलासिटी निकालनी है टी टाइम के बाद, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इन बातों से हम क्या सीखे इसके बारे में थोड़ा सा आगे और हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि जो हम लोगों ने यहां पर सीखा वो ये सीखा कि जो पार्टिकल था जब यहां पर थीटा एंगल से फेंका गया था तो ऊपर जा रहा था, तो यहां पर जब ये पहुंचता है तो यहां केवल और केवल आपकी क्या होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, और वो कितना होता है यू कॉस थीटा, और यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, या क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि किस समय पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो, आप देखो यहां पर एक चीज और है कि ये वेलोसिटी जाहिर से बात है यहां पर टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो यहां पर देखो यहां टेंजेंट ऐसे था तो यहां टेंजेंट ऐसे होगा, तो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल है ना, और हॉरिजॉन्टल तो कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए यह क्या है यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में कोई कंपोनेंट नहीं है इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई होगी जीरो। अब हम लोग को पता करना है किस समय ये वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हुआ, या ये कह लो कि नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा। तो मान लिया यहां पर टाइम कितना था जीरो, और यहां पर टाइम कितना है टी डैश, मान लो कितना टाइम है टी डैश। तो आपको निकालना है व्हाट इज टी डैश, सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम टू रीच फ्रॉम बॉटम टू द अपर मोस्ट पॉइंट, मतलब जहां से फेंका गया है और जहां तक मैक्सिमम ऊपर ऊंचाई तक गया है वहां तक जाने में कितना समय लगा। तो आप देख लीजिए यहां पर आप क्या करेंगे वीवाई इक्वल टू जीरो कर देंगे, मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा यहां से टी इक्वल टू कितना आएगा यू साइन थीटा बाय जी टी डैश, तो यहां पर क्या है टी डैश, तो ये आपका टाइम आ जाएगा नीचे से ऊपर तक जाने का। और जितना टाइम वो नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, क्या कह दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, आपसे कह दिया जाए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट टी ओ एफ शॉर्ट यानी उड्डयन काल, कितने समय तक वो हवा में रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा टू इंटू टी डैश यानी कि टू यू साइन थीटा बाय जी, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आपसे कह दिया जाए कुछ और बातें, जैसे आपसे कह दिया जाए कभी एक इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन अगर आपसे कहे जाए, जैसे जैसे आपसे एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे कह दिया जाए कि एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा से यू स्पीड से फेंका जाता है, और आपसे कह दिया जाए यहां पर टॉप पर पहुंच के जो वेलासिटी है वो इनिशियल वेलासिटी का यू बाई टी है, कितना है इनिशियल वेलासिटी का यू बाई टू है, सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपसे कह दिया जाए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, ठीक है ये आपका क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान है, जैसा आपने अभी देखा है जब टॉप पर पहुंचता है तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, देयर विल बी ओनली अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड दैट विल बी दैट मींस वी जो आपका होगा यानी कि वी जो होगा वो कितना होगा बेटा यहां पर ये होता है यू कॉस थीटा, और ये किसके बराबर दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का हाफ, यानी कि u यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सो यहां से cos थीटा किसके बराबर आएगा 1 बाई टू, सो यहां से थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1 बाई टू दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ये आपका क्या आ जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा। एक सवाल और इसी चीज पे बनता है, हम लोग देख लेते हैं एनर्जी वाला सवाल, क्या बनता है एनर्जी वाला क्वेश्चन हम लोग का बनता है, तो हम लोग यहां भी देख लेते हैं एनर्जी वाला क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा। तो देखते हैं,
तो जैसे हम लोग कहा जाए, हमने ये एक प्रोजेक्टाइल है जो कि u स्पीड से यानी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया जाता है और टॉप पर पहुंचता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी v हो जाती है। और आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर जो टॉप पर पहुंचता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है k डैश, वो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ। क्या कह दिया जाए, ये क्वेश्चन है। टॉप पर जब वो पहुंच रहा है, यहां पर पहुंच रहा है, यानी टी बराबर जीरो से चला और जब यहां पर पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ है। सो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपको ऐसा सवाल कहा गया है कि जब भी कभी मान लिया गया एक प्रोजेक्टाइल है, यू स्पीड से फेंका जाता है और वो जब टॉप पर पहुंचता है तो अपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की आधी, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वहां पर है वो कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ है। सो व्हाट वाज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण कोण क्या होगा, कितने एंगल से वो फेंका गया होगा। ठीक है, तो यहां पर बड़ा सिंपल है, आप बताइए जरा कि ये जो के डैश है वो फाइनल है यानी यहां पर है, तो ये बेटा कितना हो जाता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। और आप देखो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा, हाफ एम। और आप बताओ कि v यहां पर कितना होता है, वही वाली प्रॉपर्टी जो हमने यूज की है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बदलता है और वर्टिकल, यानी कि यहां पर जब टॉप पर पहुंचता है वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, जो भी वेलोसिटी होती है वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहां पर यह कितनी होगी बेटा, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, के डैश इक्वल टू कितना हो जाता है, यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखें, यहां पर मुझे बताइए कि ये जो है हाफ एम यू स्क्वायर, क्या ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी थी उसकी, यू थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगी, यानी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये बेटा कितनी हो जाएगी, के डैश इक्वल टू के नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पे, जो सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जब टॉप पर पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ है, तो यानी के डैश इज इक्वल टू के नॉट बाई टू। तो वैल्यू रख देते हैं, के नॉट बाई टू इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां से के नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1/2। सो थीटा यानी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 1/√2। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 किस एंगल के लिए होती है, सो दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। सो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो यहां से आपका ये आंसर मिल जाता है, यानी व्हाट वाज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इट विल बी 45 डिग्री। तो इस तरह के सवाल भी, वेलोसिटी वाले भी सवाल, और यहां पर हम लोग ये आपका 45 डिग्री और काइनेटिक एनर्जी वाले भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहां पर एक और चीज हम लोग बताते हैं, एक और सवाल एक टाइप का आता है, मोमेंटम में चेंज या वेलोसिटी में चेंज, व्हाट विल बी द चेंज। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो जैसे आपसे कह दिया जाए, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी प्रोजेक्टाइल यू स्पीड से थीटा को एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और टॉप पर पहुंचता है, यहां पर मान लो ये आपका ओरिजिन है और ये आपका ए पॉइंट है, यहां पर स्पीड इसकी या वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, वी हो गई है। आपसे कह दिया जाए, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ है। तो आप जानते हैं, हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो आप जानते हैं कि
कि चेंज इन वेलासिटी या कोई भी क्वांटिटी का जो चेंज होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो यहां पर डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहां पर अपना काम क्या हो गया है, फाइनल को वेक्टर फॉर्म में लिखना, इनिशियल को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो वेक्टर ही होगा। यानी कि अगर आप देखें तो जो v फाइनल बेटा होगा वो कितना होगा, यानी कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और आप जानते हैं ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो यहां पर जो वी एक्स होता है वो कितना होता है यू कॉस थीटा और आई कैप, और वर्टिकल वेलोसिटी आप खुद जान रहे होंगे यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो यहां पर वी फाइनल हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर जो आपका वी फाइनल है वो हम लोग लिख लेते हैं, तो वी फाइनल जो आपका आया, वी फाइनल जो आपका आया वो कितना आया, यू कॉस थीटा आई कैप, ये आया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, और यू इनिशियल यानी कि वी इनिशियल आप कह सकते हो, ये हमने सबसे पहले जब शुरुआत करी थी तो पहले ही लिख लिया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, और अब आपको निकालना है डेल्टा वी। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल आपने लिख रखा है और वो कितना लिख रहा है, u cos थीटा i कैप और माइनस u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। तो यहां से देखें u cos थीटा तो कट गया, यानी कि आपका जो चेंज इन वेलोसिटी आई वो कितनी आई, माइनस u sin थीटा j कैप। और अगर आपसे कह दिया जाए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी मैग्नीट्यूड वाइज, ये तो आपका वेक्टर में आ गया, ये तो आपका किस में आ गया, वेक्टर, यही आपका आंसर भी है जिसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है, यानी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आया, माइनस जे नीचे की तरफ। यानी अगर आपसे आपसे कह दिया जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यू साइन थीटा, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन दिखाता है, तो यूनिट वेक्टर के बगल में जो चीज लिखी जाती है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कितना, यू साइन थीटा विल बी चेंज इन वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन और इसी पे रिलेटेड बनता है, हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, और वो ये होता है, देख लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए यहां पर कोई एक पार्टिकल है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका जाए, और ये आपसे कह दिया जाए यहां पर जब गिरता है तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका क्या है, ए फाइनल पॉइंट है। तो आपसे कह दिया जाए जब यहां से चलता है और यहां पर गिरता है, तो आपसे कह दिया जाए फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड ओ, यानी कि यहां से यहां तक जाने में मोमेंटम में कितना चेंज होगा। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा मोमेंटम क्या होता है, तो यहां पर हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द मोमेंटम। सो यहां पर अगर आपसे कहा जाए मोमेंटम, सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर आपसे कह दिया जाए चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर बस मास से क्या करना होगा, ये जो पार्टिकल है इसके मास से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये बिल्कुल लास्ट वाला ही क्वेश्चन हो गया, बस यहां पर पॉइंट बदल गए, यहां और यहां मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल निकालनी पड़ेगी, और इनिशियल से आपको पता ही होती है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा जो काम है वो है आपका डेल्टा वी फाइंड करना। क्या काम है, डेल्टा वी यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए तो वी फाइनल आप देखें जरा, वी फाइनल यानी कि यही तो वी फाइनल होगी। अब आप देखें
यहां पर आपका इसका एक कंपोनेंट कर लेते हैं इधर, तो अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है, टोटल वेलोसिटी इधर है भी, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें तो यही तो आपका vx होगा, और ये हमेशा ही क्या होगा, u cos थीटा, क्योंकि इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर कितना था, u cos थीटा, और वर्टिकल कितना था, u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल तो जो यहां था वही यहां भी होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये u cos थीटा है तो पक्का ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर जो ये वाला कंपोनेंट मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये अगर u cos थीटा है तो बेटा जो ये vy कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा, क्योंकि u cos थीटा अगर ये है तो जो बचा हुआ u sin थीटा है तो यहां भी u sin थीटा है तो यहां भी u sin थीटा होगा। यानी जितनी वेलोसिटी से वो फेंका गया था ठीक उतनी ही वेलोसिटी से वो गिरेगा भी, बट डायरेक्शन मतलब आप ये कह सकते हो कि स्पीड वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट का, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट यहां ऊपर की तरफ था, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, नीचे की तरफ है, यानी कि जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है ना। तो बड़े आराम से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता है, सो वी कैन फाइंड आउट वेरी इजली चेंज इन वेलोसिटी, और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे इसको कर लेते हैं। तो यहां पर आगे हम लोग कर लेते हैं, तो देखें अगर आपसे कह दिया जाए डेल्टा वी निकालना है तो बेटा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहां पर वी फाइनल अगर हम देखें वी फाइनल क्या हो जाएगा, तो हमको फिगर को थोड़ा सा एक बार और लाते हैं। तो यहां पर ये देखो, तो ये एक्स वाला तो कितना है, एक्स वाला कितना है यू कॉस थीटा आई कैप तो होगा ही, और ये वाले में माइनस आ जाएगा क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में माइनस जे डायरेक्शन होगी, और ये होगा यू साइन थीटा जे कैप नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए तो अब इनिशियल को हम लोग को समझने की जरूरत है नहीं, तो आपका जो वी इनिशियल है, यहां पर आपका जो वी इनिशियल है वो कितना होगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, ये है बेटा। तो यहां से बताइए डेल्टा वी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सो अगर हम लोग देखें वी फाइनल कितना है, यू कॉस थीटा प्लस माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस यू कॉस थीटा आई कैप और प्लस यू साइन थीटा जे कैप, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो सेम साइन वाले ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बेटा डेल्टा वी कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर आपसे कह दिया जाए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, आपसे कह दिया जाए चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा डेल्टा पी, सो दैट विल बी एम इनटू डेल्टा वी। सो यहां से आपका डेल्टा पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप, ये आपका डायरेक्शन के साथ है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, आपको अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम का कितना आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू, सॉरी मैग्नीट्यूड हाँ मॉड, और वो आ जाएगा 2m u साइन थीटा। सो यहां पर चेंज इन मोमेंटम का भी हम लोग का कैलकुलेशन हो गया है। तो यहां पर हम लोगों ने जो चीजें देखी वो ये देखी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कॉम्बिनेशन है एक्स का और वाई का, यानी दो इंडिपेंडेंट मोशन हो रहे हैं एक्स में भी और वाई में भी। हम लोग को एक्स में अलग देख लेना है, वाई में अलग देख लेना है, दोनों को कंबाइंड कर लेना है, सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी जो आगे का जो इसमें होगा वो हम लोग आगे किसी टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने इस तरीके से निकाल के बताया ही है, एक दूसरे तरीके से भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट का भी फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और हम लोग मैक्सिमम रेंज, रेंज का भी फार्मूला निकाल करके बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आपके लिए आज का जो काम है वो यही है, इस पूरी चीज को एनालाइज करें और इस थ्योरी से रिलेटेड
जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें बताइए कि क्या इस तरह के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।